हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल श्री लर्निंग। अब तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। फ्रेंड, ये मल्टी लेवल लिस्ट है तो छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि किसी भी को ब्रांच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हाँ फ्रेंड, अगर इससे पहले वीडियो में जाने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कि अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाकर एमएस वर्ड ओपन करेंगे। मेरे पास वर्ड 2013 है फ्रेंड, हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम ब्लैंक स्पेस ले लिए। ब्लैंक स्पेस लेने के बाद इसकी साइज छोटी है तो थोड़ी सी साइज हम बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो का भी यूज करते हैं, या फिर होम मेनू में जाकर यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड, और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम मल्टी लेवल लिस्ट के लिए ये वाले इस वाले मल्टी लेवल लिस्ट में लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, जो हमारी मर्जी है उसमें हम सेलेक्ट कर लिए, और खुद अपने मर्जी से भी मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये देखो फ्रेंड, या तो इस तरह हमने मल्टी लेवल लिस्ट ले लिया। सेट ऑल लेवल भी कर सकते हैं, इससे हम कितने लेवल कितने पोजीशन पे रखना है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ से नंबर ऑफ अलाइनमेंट लेना है, लेफ्ट में लेना है, सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, ये हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लेफ्ट अलाइनमेंट देख रहे हैं फ्रेंड, तो हमने ले लिया। अब हमें लिखना है, जैसे हमारा जनरेशन का लेवल मल्टी लेवल लिस्ट बना रही हूँ, तो हम लिखेंगे क्या, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर लिख लिया हमने। हाँ फ्रेंड, मेरा स्क्रीन ख़राब है लैपटॉप का, इसलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, और इसका वीडियो भी मैं पहले डाल चुकी हूँ फ्रेंड, आप जाकर देख सकते हो। तो हमने लिख लिया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर लिखा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसका जनरेशन हमारे फादर हुए, हमारी आंटी हुई, तो इसमें हमने क्या किया, ग्रैंडफादर ये यहाँ पर हमने इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद हम देख रहे हैं फ्रेंड, एक के बाद दो हो गए हैं, तो ये तो हमारा लेवल नहीं बनेगा, ये तो हमारा बुलेट लाइन हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, टैब दबाएंगे। टैब का जादू देखो आप, जैसे ही टैब दबाया ये हो गया, मतलब हमारे ग्रैंडफादर का चिल्ड्रन लिखना है। तो ग्रैंडफादर का चिल्ड्रन जितना भी है हमने लिख दिया, फादर लिख दिया, हमने फादर लिख दिया। अब फादर का हम चिल्ड्रन लिखना है, तो इसमें फिर से वही करेंगे फ्रेंड, इंटर दबाएंगे, और इंटर दबाने के बाद फिर से टैब का जादू देखेंगे। ये देखो, फादर का चिल्ड्रन स्मॉल ए आ गया। अब देखेंगे फ्रेंड, इसमें हमने लिख लिया, मतलब फादर के सन है, एक सन है, तो सन लिख दिया, सन लिख दिया। अब इसमें फादर का डॉक्टर भी है एक, तो हमने इंटर दबाया, फिर से डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया। अब देखेंगे फ्रेंड, हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का एक और जादू, अब फिर से इंटर दबाया फ्रेंड, तीसरा तो आ गया, मतलब और डॉक्टर हो सन हो आ गया, लेकिन अब टैब का जैसे ही टैब दबाएंगे फ्रेंड, वन आ गया, मतलब कि हमारा ये वन से शुरू हुआ था लेवल, फिर से वापस वन आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा मल्टी लेवल लिस्ट सिर्फ थ्री स्टेप में काम करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कैपिटल वन वाले, सेकंड में स्मॉल ए वाले, और थर्ड में ये स्मॉल ए वाले। अब हमारा मल्टी लेवल लिस्ट काम नहीं करेगा, फिर से वन आएगा, फिर से ये आएगा, फिर से वो आएगा, जैसे हम कुछ भी लिख दिए, जैसे लिखे कंप्यूटर, देख लो फ्रेंड, जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, फिर से इंटर दबाया, फिर से कंप्यूटर के बाद इंटर दबाया फ्रेंड, तो हमारा फिर से टैब दबाया तो ये आ गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं फ्रेंड कि हमारा मल्टी लेवल लिस्ट जो होता है सिर्फ थ्री स्टेप में काम करता है, चौथे स्टेप में काम नहीं करता है। और एक और है फ्रेंड कि हम जब मल्टी लेवल लिस्ट को वापस जाने हैं तो शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं। ये देखो, हमारा सेकेंड स्टेप आ गया, ये देखो। तो अब यहाँ से हम सेकंड कुछ शुरू कर सकते हैं स्टेप,
और इस तरह हमारा मल्टी लेवल लिस्ट लिख सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े हमारे बुक्स का बनाते हैं उसमें लिख सकते हैं 2 का 1 2 3, 3 का 1 2 3, इस तरह। तो हमने इसमें क्या देखा, एक लेवल लिखा, फिर इसमें इंटर दबा के टैप किया तो सब लेवल आ गए, और शिफ्ट के साथ टैप दबाया तो फिर वापस में अपने लेवल पे वो फिर से आ गए। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने देखा कि मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कैसे करते हैं फ्रेंड। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू।